हाय एवरीवन, मैं हूँ विभा और मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दही के शोले, जिन्हें दही कबाब या ब्रेड कर्ड फायर रोल भी कहा जाता है। ये अंदर से जितने सॉफ्ट और क्रीमी होते हैं, बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इनका टेस्ट और फ्लेवर तो होता ही बहुत लाजवाब है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में एज अ टी स्नैक बना के खा सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई पार्टी है या गेट टुगेदर है तो उसमें आप इन्हें एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही के शोले। तो फ्रेंड्स, दही के शोले बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हंग कर्ड, जिसे दही का चक्का भी कहा जाता है। हंग कर्ड के लिए मैंने लिया है 500 ml दही, यानी आधा लीटर दही लिया है मैंने। और हंग कर्ड रेडी करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसके ऊपर मैंने इस तरह से छन्नी रख दी है। अब इस छन्नी के ऊपर हम इस तरह से एक कपड़ा रखेंगे, आप हैंकी या मलमल का कपड़ा कुछ भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो ये दही है, इसको हम पलट देंगे कपड़े के ऊपर। और इस कपड़े को बांध कर इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसका जो पानी है सारा नीचे बाउल में इकट्ठा हो जाए और हमें एक दही का चक्का मिल जाए। इस पर आप गांठ भी लगा सकते हैं, मैं इस तरह से रबड़ से इसे टाई कर रही हूँ। चलिए अब इस दही को हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि हमारी हंग कर्ड रेडी हो जाए। इसे बिल्कुल भी बाहर मत रखिएगा, अगर आप बाहर रखते हैं तो ये दही खट्टी हो जाएगी और बिल्कुल भी हमारे दही के शोले का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। हमें 3 से 4 घंटे हो चुके हैं दही को बांधकर फ्रिज में रखे हुए। मैंने दही फ्रिज से निकाल ली है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हंग कर्ड बनके तैयार हुआ है हमारा। देखिए, मैं बाउल में पलट के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया हंग कर्ड बन के तैयार हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए अब दही के शोले के लिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक बड़ा मिक्सिंग बाउल, इसमें सबसे पहले जाएगा हंग कर्ड। अभी मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, इसको ऑलरेडी मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। स्टफिंग में पनीर मिलाने से दही के शोलों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए पनीर भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सब्जियां और मसाले। सबसे पहले जाएगी इसमें एक छोटी बारीक कटी शिमला मिर्च, ये मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें जाएगा एक छोटा कटा बारीक प्याज। अब इसमें जाएगी एक छोटी बारीक कटी गाजर। अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, ये भी ऐड कर दिया मैंने। अब ये 2 बारीक कटी हरी मिर्च हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगी 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, मैंने 3/4 छोटी चम्मच नमक लिया है। तो चलिए अब इसमें सारे मसाले, सब्जियां, पनीर, दही सब ऐड हो गया है। अब इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक स्पून की हेल्प से। ये जो मैंने दही के शोलों के लिए स्टफिंग बनाई है, इससे आपके लगभग 20 दही के शोले बनके तैयार हो जाएंगे। चलिए मैंने स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारे दही के शोलों की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टफिंग को हम रख देते हैं साइड पर। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी थोड़ी थिक स्लरी बना लेंगे। सारा पानी एक साथ मत ऐड करिएगा, बिल्कुल रनी स्लरी बन जाएगी, हमें थोड़ी थिक स्लरी चाहिए। स्पून से इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ये देखिए हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थोड़ी थिक होनी चाहिए इस तरह से। तो चलिए हमारे मैदे की स्लरी भी रेडी है, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। अब हम दही के शोले बनाने के लिए लेंगे वाइट ब्रेड के स्लाइसेस। ये देखिए मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब इसके कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे। हम एक एक करके ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके कॉर्नर्स कट करते जाएंगे, चारों कॉर्नर्स कट करने हैं। ये देखिए मैंने चारों कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। इसी तरह से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर देंगे।
ये देखिए मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब हमें इन ब्रेड स्लाइसेस को बेलना है, तो चलिए इनको बेलने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये पहला ब्रेड स्लाइस लिया है बेलने के लिए। हम इस पर एक ब्रश की हेल्प से पानी लगाएंगे, आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरफ लगा दिया है, अब ब्रेड को पलटेंगे और दूसरी तरफ भी ब्रश की हेल्प से पानी लगा देंगे। अब इसको हल्का हल्का बेलना शुरू करेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का हल्का बेलना है। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी, ब्रेड को बेलने से पहले जो पानी लगाना है वो बिल्कुल हल्का हल्का पानी लगाना है। ब्रेड को ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना, वरना बेलते टाइम ब्रेड टूट सकती है। ये देखिए मैंने ब्रेड को बेल लिया है। अब इस पर हम चारों एजेस पर जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी वो लगा देंगे। अब ब्रेड के सेंटर में रखेंगे हम अपने दही के शोलों की स्टफिंग और इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा बीच में। अब ब्रेड को फोल्ड करने से पहले हम अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे, ताकि हम जो ब्रेड है उसको अच्छे से शेप दे पाएं। पहले ब्रेड को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये नीचे से फोल्ड करी, फिर जो ऊपर वाला कॉर्नर है इसको पकड़कर हम इस पे रख देंगे ऐसे, इस तरह से आपस में चिपक जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और इसको हाथों में पकड़कर इसको ऐसे दबाते जाएंगे आराम से, बिल्कुल जेंटली दबाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये देखिए जो ये ब्रेड के दो कॉर्नर्स हैं, ये और ये, इस पर हम थोड़े से मैदे की स्लरी लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हाथों से दबाते हुए ऐसे सील कर देंगे, बंद कर देंगे दोनों तरफ से और थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से, बिल्कुल जेंटली हल्के हाथों से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा पहला दही का शोला बनके रेडी है। अगर आप इस तरह के मेथड से दही का शोला ना बना सके तो मैं आपको एक सिंपल मेथड भी बता देती हूँ। उसके लिए सेम हमें ऐसे ब्रेड लेनी है, ब्रश से इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब इसको हल्का बेल लेंगे। ये देखिए मैंने ब्रेड को बेल लिया है। अब इसके चारों एजेस पर हम सेम उसी तरह मैदे की स्लरी लगा देंगे। अब हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे और उस मेथड में हमने सेंटर में रखी थी, इसमें हम थोड़ी टॉप पे रखेंगे ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, दबा देंगे स्पून से। अब इसको ऊपर से पकड़ेंगे और ऐसे इसको रोल करना शुरू करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये रोल हो गया। अपने हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे और ऐसे एजेस इसके कॉर्नर्स दोनों दबा देंगे। स्लरी तो ऑलरेडी लगी हुई है, उससे ये चिपक जाएंगे। इस साइड करेंगे, हाथों को हल्का सा गीला करेंगे उंगलियों को और इसको भी दबा देंगे। ये सिंपल मेथड है, अगर उस मेथड से ना बन पाए तो आप इस मेथड से भी दही के शोले बना सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरे मेथड वाला दही का शोला भी बनके रेडी है। इस तरह से हम बाकी बचे हुए ब्रेड स्लाइसेस के भी दही के शोले बना के रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने बाकी ब्रेड स्लाइसेस के भी दही के शोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये तैयार हैं डीप फ्राई करने के लिए, चलिए इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। हमें दही के शोले बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर बनाते हैं तो ब्रेड एकदम डार्क कलर पकड़ लेगी और अच्छे से क्रिस्पीनेस भी नहीं आ पाएगी। चलिए अब कढ़ाई में दही के शोले डालेंगे डीप फ्राई के लिए। अभी हमें इन दही के शोलों को बिल्कुल भी नहीं पलटना है, ना ही इन्हें टच करना है।
जब ये नीचे से थोड़े सिक जाएंगे हम तब पलटेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम में आपको दोबारा बताना चाहूँगी, मीडियम ही होनी चाहिए, हाई बिल्कुल मत करिएगा। ये देखिए हल्के हल्के से नीचे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, इनको मैं पलट देती हूँ। वाओ ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इन दही के शोलों को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इन्हें हल्का सा पलट के देख लेते हैं, ये देखिए नीचे से भी कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ऐसे इनको थोड़ा उलटते पलटते अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दही के शोले डीप फ्राई करते वक्त आप दही के शोलों पर पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बड़ी जल्दी फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे दही के शोलों का कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ये बिल्कुल रेडी है, मैं इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से हम बाकी के दही के शोले भी डीप फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारे दही के शोले कितनी फटाफट बनके तैयार हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें कट कैसे करना है। अब हम लेंगे एक दही का शोला ऐसे, और इसको इस तरह से डायगनली कट करेंगे। इस तरह से डायगनली कट करने से इसकी बहुत ही बढ़िया लुक आ जाती है। वाओ ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही क्रीमी और सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से हम बाकी के दही के शोले भी डायगनली कट कर लेंगे और फिर इन्हें हम सर्व करेंगे। लीजिए हमारे दही के शोले सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखने में कितने बढ़िया और टेम्पटिंग लग रहे हैं, और फ्लेवर तो इनका होता ही बहुत ज़बरदस्त है। इन्हें चाहे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खाएं या इवनिंग में एज अ टी स्नैक खाएं। जैसे आपके घर में पार्टी है या कोई गेट टुगेदर है तो आप इन्हें एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, दही के शोले बनाने की कितनी आसान और टेस्टी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।